जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, तो आज निफ्टी 779.80 के आसपास क्लोज किया है और 800 कुछ का हाई बनाया। देख लेते हैं एक बार। आज का 834 का हाई है, 818 का ओपनिंग था, 834 का हाई है और 764 का लो है और 780 का क्लोजिंग है। 779.80, तो 780 समझ लीजिए। तो पूरा एग्जैक्टली 50 पॉइंट प्लस बंद किया आज, एग्जैक्टली 50 पॉइंट प्लस, क्योंकि कल की क्लोजिंग 730 थी, तो आज 780 का क्लोज किया है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है बीच में एक दो दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा कभी कभी। अभी इन दिनों मेरे को बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा बहुत सारा काम रुकता है, तो कुछ बस अभी एक महीने के लिए ऐसा हो सकता है बीच बीच में, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे कुछ काम पेंडिंग हो जाते हैं और अभी ट्रेनिंग जैसे थोड़ा स्पीड में चल रही है। तो एक तो 9 फरवरी को पुणे में ट्रेनिंग है, 9 फरवरी 2019 पुणे में रहेगी। 9th एंड 10th को मैं वहाँ रहूँगा, लेकिन 10th को मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा स्टूडेंट्स। तो ये पुणे में मैंने रखने का कारण था कि जैसे बहुत लोग हैं वो मेरी फ़ीस दे नहीं पाते जितनी मैं बोलता हूँ, तो इसमें फ़ीस काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर सिटीज़, जैसे मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलोर भी अभी मैं करने वाला हूँ, और जहाँ पे भी मैं करता हूँ वहाँ फ़ीस मेरी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसमें फ़ीस बहुत कम रहेगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर हमारे लिए भी कुछ ऐसा करिए। तो ये पुणे वाला जो 9th फरवरी वाला है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही 30 से 40 स्टूडेंट हो जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाला हूँ, 40 मैक्सिमम। ओके, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, बट ये मैं नेक्स्ट मंथ का 6-7 तारीख को चेक करूँगा कितना हो गया, उस हिसाब से मैं या तो हॉल बुक करके, वैसा होगा सेमिनार टाइप का, फिर वो प्रोजेक्टर लगा के मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैन टू मैन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। तो उसमें भी हो सकता है दो बैच कर दूँ, एक बैच शनिवार 9 तारीख को, एक बैच रविवार को। तो जल्दी से जल्दी आप करिए, जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है या पुणे जा सकते हैं। और तो पुणे से ही मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी पिछली बार जब मैं मुंबई गया था, तो मैंने सोचा कि इनको भी क्यों महरूम रखा जाए मेरी ट्रेनिंग से, इनको भी सिखाया जाएगा। और दूसरा, 2 तारीख को फिर से अहमदाबाद में ट्रेनिंग है मेरी, और सिर्फ 5 स्टूडेंट को ट्रेनिंग मिलेगी, ओनली फाइव। तो जो अभी बुक करेगा वो 2 तारीख को अवेलेबल। और सूरत में मैं सैटरडे को ट्रेनिंग रखा हूँ, इस सैटरडे को, परसों सूरत में, लेकिन सिर्फ 4 जनों के लिए, ओनली फोर पीपल। तो जो आना चाहता है सूरत वाला वो आ सकता है, वो मुझे कांटेक्ट करे, फेसबुक मैसेंजर में अपना नंबर डाले, मैं उसे कांटेक्ट कर लूँगा। 1 सेकेंड। हाँ, वो 10 हो रहा है ना, अकाउंट ठीक। तो सूरत में सैटरडे को है, वो समझ लीजिए पर्सनल ही रहेगा, जो 4 जन ज़्यादा से ज़्यादा मैं एकोमोडेट कर पाऊँगा, ओनली 4 पीपल। और अहमदाबाद में 2 तारीख को है, वो बस एक ही दिन का, मैं सुबह जाऊँगा और रात को आ भी जाऊँगा अहमदाबाद से, तो उसमें भी 5 जन मैक्सिमम, ओनली 5 पीपल विल बी अलाउड, ठीक है। क्योंकि मैं वो मैन टू मैन जब ट्रेनिंग देता हूँ, तो समझ लीजिए मैं उनके साथ ही बैठा रहता हूँ और सब कुछ एक एक स्टेप समझाता हूँ कैसे क्या करना। और जहाँ तक मेरा मानना है, एक गधा भी इंसान बन सकता है अगर सिखाने वाला अच्छा हो। और क्या सिखाना चाहिए ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता, तो मेरी थोड़ी स्टाइल अलग है सिखाने की। तो एनीवे, ये बताना चाहता था। दूसरा, फिर 5 से 8 तारीख तक मैं मुंबई में हूँ, 5 to 8, 5 जनवरी से 8 जनवरी मुंबई में, और 2 तारीख को अहमदाबाद में, सैटरडे को सूरत में, और 9 फरवरी को पुणे में। इसके बीच में मैं एक बेंगलोर का बना सकता हूँ,
क्योंकि बेंगलोर वाले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सूरत से डायरेक्ट फ्लाइट भी है बेंगलोर के लिए, तो मैं बेंगलोर का या तो जनवरी के मिड में रखूँगा या जनवरी के लास्ट में कोशिश करूँगा बेंगलोर का 2 दिन का सेशन रख दूँ, तो मैं वो डेट अनाउंस कर दूँगा। बेंगलोर वालों आप खुश हो सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली कम देयर। तो मैं मुझे देखना पड़ेगा शेड्यूल कैसा फिक्स होता है और फ्लाइट की भी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कब से कब तक की है, और सस्ती प्राइस भी देखनी पड़ेगी, हम तो गरीब आदमी है ना भाई, तो ये देखना पड़ता है भाई साहब, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और मार्केट मार्केट भी है, तो जो पुणे वाले जो भी इंटरेस्टेड है, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग जब भी मुझे मैसेज करते हो फेसबुक में भी मैंने देखा, इतने होशियार लोग हैं आप लोग, मुझसे मेरा नंबर पूछते हो, आप अपना नंबर, आप जब कुछ भी मैसेज डालते हो अपना नंबर ज़रूर डालो। मैं अगर मैं आपको, आप सोचते हो मैं मैसेज में आपको जवाब दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नंबर डालो, मुझे लगेगा तो मैं फ़ोन करूँगा, नंबर ज़रूर डालो अपना, कोई भी मैसेज करते हो मुझे अपना नंबर डालो, नाम सही डालना और सिटी का नाम डालना मैं कहाँ से हूँ, वरना आप करते रहो मैसेज कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर डालना, नाम डालना और सिटी का नाम डालना, वरना कोई चांस नहीं है। मेरे 300-400 से ज़्यादा मैसेज पेंडिंग है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, कुछ भी लिखते हैं आपका नंबर दीजिए तो आप थोड़ा हम लोग को भी बताइए गुड मॉर्निंग पोस्ट कहाँ दिखता है। अरे गुड मॉर्निंग पोस्ट से तुम लोग को क्या लेना देना यार, देट इज़ माई पर्सनल सर्विस, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सिर्फ उनको देता हूँ वो सर्विस, ये कोई कॉमर्शियल सर्विस नहीं है कि आपसे मैं महीने का 10,000 लेके वो सर्विस दे रहा हूँ, वो सब धंधा नहीं है मेरा। तो जो मेरे पर्सनल फैमिली मेम्बर है जो, या फिर जो मुझसे बहुत पुराने साल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके लिए, वरना तो मैं अगर आप लोग को दूँ तो 10,000 रुपये पर मंथ देने के लिए तो कितने लोग रेडी है, तो मुझे ये पैसा नहीं कमाना है। अनटिल एंड अनलेस आई बिकम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वो भी मैं नेक्स्ट मंथ में हो ही जाऊँगा, तो उसके भी चिंता नहीं है, उसके बाद आप लोग को भी दूंगा, वो एक प्राइस रख देंगे 5,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ में आए वो बात की बात है। और ये मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि मैं अपना कैलिबर दिखा रहा हूँ, मैं क्या लिखता हूँ वही रहता है, तो रॉन्ग हो सकते हैं यार बाजार में, हम राइट हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, इट्स एनीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। बट मैं जो भी बोलता हूँ अपने लॉजिक से बोलता हूँ। आज जो मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज अभी भी बिजी था, मैं चार्ट देख ही नहीं पा रहा हूँ आजकल, एक तो इतने मैसेज आते हैं, सब कुछ कुछ भी लिखता है, कोई भी कोई बोलता है आपको, आप हम लोगों को क्यों नहीं दिखाते गुड मॉर्निंग पोस्ट, अरे सब तो डाल रहा हूँ यार, इतना मैं वीडियो, कल मैं थका हुआ आया फिर भी वीडियो बनाया, आप लोग ये नहीं सोचे कि ये बंदा हमारे लिए, अभी भी मेरी आज बिल्कुल इच्छा नहीं थी वीडियो बनाने की, इतनी थकान लग रही है मुझे, बट समाओ मैं सोचता हूँ कि चलो यार जो भी है ऊपर वाला तो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवे ये मार्केट का आज का चार्ट मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं रियल में बोलूँ, इतने दिन का चार्ट देखने के बाद मुझे कभी डाउट नहीं होता था कि कल क्या होने वाला, परसों क्या होने। आज का जो कैंडल बना वो बाबा जी का घंटा बना, क्या बना, बाबा जी का घंटा, इसमें ना तो ऊपर का मूव समझ में आ रहा है, ना मुझे नीचे का समझ में आ रहा, तो ऐसा मेरे साथ जब हो सकता है तो तुम लोग कौन से खेत की मूली हो। मुझे ऐसा लग रहा है कल बहुत कंफ्यूजिंग डे रहेगा फ्राइडे, एक तो फ्राइडे, फ्राई मतलब भी फ्राई, वो वाला फ्राई जो तवा फ्राई तेल से भजिया फ्राई हो जाता है, भेजा फ्राई हो जाता है अपना, वो फ्राइडे, तो ये फ्राइडे में ऐसे ही होने वाला है। ये कैंडल ऐसी बनी है कि इसमें कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा, एक तो ये गैप बन गया, कल का क्लोजिंग था 730 और आज का लो है 764, तो 34 पॉइंट का गैप तो मेंटेन रहना नहीं चाहिए। अगर इसको डिसाइसिवली अगर इसको 11200 जाना है तो इस गैप को फिलअप करके जाने से ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं अब देखिए यहाँ एक्सपीरियंस कैसे काम आता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कैंडल एकदम क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बता रही है कि बुलिश है या बियरिश है, तो यहाँ आपको एक्सपीरियंस काम आएगा। सबसे पहला तो इसने इस शोल्डर का जो टॉप है उसको तोड़ा है, 775 का था याद करिए, 1911 का, तो ये शोल्डर इससे ऊपर तो आज गया है और क्लोज भी इसके ऊपर किया है, इस शोल्डर के ऊपर ही क्लोज किया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। इस शोल्डर, अब ये शोल्डर मान रहे थे हम लोग, ये हेड मान रहे हैं इनवर्स और ये शोल्डर, तो ये शोल्डर का जो अभी आज का टॉप है या क्लोज है, टॉप तो बहुत ऊपर 834 है और क्लोज भी है इस टॉप से ऊपर है, देखिए 77, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि मार्केट रहेगा तो ऊपर ही,
लेकिन अब ये कंफ्यूज कर दे रहा है कि कल का जो 730 का क्लोजिंग था वहाँ तक टच कराने क्यों नहीं आया, आज सीधा का सीधा ऊपर ले गया। तो या तो कल फ्राइडे को ये कारीगरी करेगा, सुबह मुझे लगता है ये कल एक बार नीचे आएगा, और नीचे आने का जो इसका हद दिखा रहा है वो मुझे लग रहा है 697 तक, 697 तक ये कल आ सकता है। और आज क्लोज किया 780, यानी कि 80-90 पॉइंट डाउन सुबह। ये एक तरीका, देखिए मैं अब खाली इफ्स एंड बट्स बोल रहा हूँ, आज मैं हमेशा क्लियर रहता हूँ। आज मुझे लगता है सुबह ये 690 तक का या 697 तक का या 710 तक का लो बना सकता है सुबह, और वहाँ से वो टान के ले जाएगा। ये लेवल अब आ रहा है खतरे का घंटी रेजिस्टेंस, बताया तो 863 पे रुक सकता है कल, 863। और 863 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर आप समझ के चलो 11,100 तो डेफिनेटली थोड़े दिन में आने वाला है, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन बना के समझाता हूँ। ये टॉप से मैं क्लाइंट आता हूँ, सॉरी एट हंड्रेड एटी के आसपास रेजिस्टेंस है कल 880, लेकिन नीचे का पहले मुझे 697 या 710 के आसपास का कल लो लगता है मुझे, ताकि वो 730 का जो गैप बना हुआ है 764 आज का लो है वो फिलअप हो जाए, वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कल। अगर 700 के नीचे आए या 700 तक आए या 710 तक भी आए निफ्टी, तो वहाँ बाई करिए, हड़बड़ी में बाई मत करिए। और एक आप लोग बिना बात के ऐसा कॉल पुट लेते हैं, इतना हर वक्त ट्रेड करना है सर, ऐसा उछलते सर अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अरे मेरे बाप, पैसा कितना कमाया वो देखना चाहिए, अगर कमा लिया 7-8 हज़ार चुप हो जाओ, देखो ही मत मार्केट को, इतना ही तो कमाने के रहते हो यार, 5,000-7,000 हो गया बस, फिर भी लड़ना ही है, लास्ट में उसको जीरो करके जाना ही है। तो ये सब सीख लो, थोड़ा पेशेंस रखो, जब तक लेवल नहीं, आप जैसे ये लेवल कल उछल जाएंगे, और या फिर सुबह कल पहले ले जाइए 860-862 का हाई बना दे पहले, तब ये नीचे आएगा। या आज मैं यह सब यूज़ करूँ, अगर सुबह 865-866 ले जाए सुबह, आज का हाई है 834 और आज का क्लोजिंग है 780, तो 860 वगैरह जाने के लिए इसको 80 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा सुबह, तो वो मुझे नहीं लग रहा कल सुबह सुबह। तो मुझे ये नीचे का संभावना ज़्यादा लग रही है 710, 11 या 690 लास्ट, यहाँ से फिर टाने का ऊपर और इसके आसपास ले जाएगा। और कल फ्राइडे है तो वीकली नया हाई भी बना देगा, इस वीक का अभी तक का हाई कितना है 834 आज का, क्योंकि 24 तारीख तीन ही दिन हुए इस वीक में, एक दिन छुट्टी थी मंगलवार, तो 24, 26 और आज का दिन, ठीक है 24, 26, 27 तीन दिन काम हुआ, 25 को छुट्टी थी क्रिसमस। तो अभी तक का इस वीक का जो हाई है वीकली हाई है 834 जो आज बना है, और इस वीक का अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग कितना है 780 जो आज ही आया। तो कल एक तो इसको 834 के ऊपर हाई बनाना चाहिए और 780 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब पहले नीचे जाके इसको फिलअप करके फिर रैली मारे। तो आज एक टेक्निकल से ज़्यादा मैं आपको एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और एक्शन वैसे लीजिए। और कितने जुआरी रहते हो यार, सब इसी महीने में सब कॉल पुट लेके रखते हो, सब क्या बताऊँ मैं, क्वांटिटी तो ऐसे भर के लेते जैसे अकाउंट में पैसा रहना ही नहीं चाहिए। वो खाली, अरे मेरे अकाउंट में 50,000 कैसे आया, उसको लगाओ लगाओ लगाओ, अरे रुक के रख यार, बहुत काम आता है पैसा अकाउंट में रहा हुआ, अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पैसा ही काम आता है, तब आप उस समय पैसा रहता तब ले नहीं पाते, नहीं तो रखो कैश को हमेशा, जब मौका मिले तब एंट्री मारो, देखो पैसा ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ तो हर वक्त खेलना है, डूबो चाहे मत डूबो। एनीवे ये देखिए मैं जो बताया हूँ 690 लास्ट मुझे लग रहा है नीचे कल कल हो या
एग्जैक्टली निकाल ही देता हूँ। चलिए कल का लो भी बना ही देता हूँ। ये लाइन तो बोल रही है भाई 700 के नीचे भी जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है इसको ब्रीच करके ये क्लोजिंग बोल रहा है 700 के नीचे जाना खतरनाक है, तो यहाँ तक आना चाहिए। ये आता है फिगर 688 तक का लो बन सकता है 688, और 862 पे फिर से रेजिस्टेंस आएगा 862 से लेके 872 हाई का कल का। तो ये आप लोग फिगर ध्यान में रखिए, बीच में कुछ उछल कूद मत करिएगा, जहाँ जो नियरेस्ट मिले पहले ही, अगर ये 700 के नज़दीक मिले तो यहाँ बाई करना है, और पहले अगर 860 या 850 के नज़दीक मिल जाए तो वहाँ एक बार पोजीशन को प्रॉफिट को बुक कर लेना। शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट वही करिए जो इंट्राडे में स्टॉप लॉस डाल के खेल रहा है, पोजिशनल वाले शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल व्यू है, आज कुछ टेक्निकल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊँ, है ना। मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही चाल समझ में आ रही, और कल फ्राइडे को बहुत उलट पुलट होता है। एनीवे अब आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। कल 28 तारीख है और कल मकर लगन से कुंडली स्टार्ट होगी, और लगन में केतु विदेश, और लगन का मालिक शनि विदेश भाव में, तो सुबह कल तो यार शुभ संकेत लाएगा क्या, कल भी कल मुझे लगता कुछ अशुभ संकेत लाएगा ये, कल फ्राइडे है ना, फ्राई करने वाला संकेत लाएगा, तो एक बार मार्केट कल नीचे ही जाएगा, और वो 690 वाला जो मैं 688 से लेके 710 तक का लो बोल रहा हूँ वो पहले आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे को हमेशा एस्ट्रोलॉजिकली भी चाल चेंज होती है, ये एक्सपीरियंस का काम है ना। दूसरा कल नक्षत्र क्या है देख लेते हैं, कल वही पूर्वा फाल्गुनी दिखा रहा है अभी, तो कल जो शुक्र का नक्षत्र, नक्षत्र तो ठीक ही है लेकिन ये डाइंग एंड पे है, मतलब जाने वाला है ये नक्षत्र, तो इसका टाइम देख लेते हैं कितने बजे ये चेंज होने वाला है। ए भाई ये सब मैसेज मत किया करो भाई लोग, क्या हाय हाय लिख के, हाय ये अंग्रेजों ने हाय क्या निकाला, हाय लगती इनको। तो पूर्वा फाल्गुनी 10:08 तक है, यानी कि 10:08 पर नक्षत्र कौन सा आ जाएगा, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में आ जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी, ये पूर्वा ये उत्तरा, पूर्वा मतलब फ्रंट लेग्स ऑफ ए बेड, यानी कि एक एक जो बेड होता है उसका पहले का दो पाया, फ्रंट लेग्स पहले के दो टांग बेड की, और उत्तरा मतलब पीछे की दो टांग, समझ में आया, या इसको आप हैमोक भी बोलते हैं, हैमोक जो अपन झूला होता है ना, रेस्ट करने वाला झूला, ऐसे सो जाते हैं उसमें, बीच सी बीच वगैरह में भी लगाते हैं बहुत लोग, उसमें सोए सोए झूलते रहते हैं वो वाला, उसको हैमोक बोलते हैं। तो ये इस दोनों नक्षत्र का साइन होता है हैमोक, या फिर रेस्ट करने वाला बेड, यानी रेस्ट के मूड में रहते हैं नक्षत्र दोनों, लेकिन इसमें पूर्व वाला में फ्रंट लेग रहता है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है फ्रंट लेग को, और इसमें बैक लेग को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10:08 पर ये चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है सुबह कल गिरेगा, और 11:51 के बाद सौभाग्य योग चालू हो रहा है, तब तक आयुष्मान मतलब बोले जीते रहो लेकिन थोड़ा गिर जाओ, तो कल सौभाग्य योग चालू होगा 11:51, तो मुझे लगता है 11:51 के बाद फिर से रिवर्सल आएगा, जो गिरा हुआ रहेगा वहाँ से निफ्टी फिर से ऊपर जाएगा, और वो 860 तक का ही बना देगा नया कल, 860-70 तक का। तो ये सब है एस्ट्रोलॉजिकली भी, यही सब लग रहा है, ये टाइमिंग भी सेट हो रही है 11:51, 10 नक्षत्र चेंज हो जाएगा, और यहाँ और गिरावट आएगी 10 के बाद, ठीक है, सुबह हल्का गिरावा ही रहेगा लेकिन 10 के बाद और गिरावट आएगी, फिर 11:51 के बाद मार्केट रिवर्स करेगा। तो बस आज इतना ही है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो दोस्तों पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा, और 2 तारीख को अहमदाबाद, 5-7 तारीख को मुंबई, शनिवार को
सूरत में सिर्फ 4 लोग, अहमदाबाद में सिर्फ 5 लोग अलाउड, और मुंबई में 3 दिन हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग, 7 से ज़्यादा नहीं। और पुणे में मजे से आओ 9 फरवरी, और बीच में मैं एक बेंगलोर का अनाउंसमेंट करूँगा डेट का, लेकिन अभी लेट मी सी, मैं इतना अलाउ करता है मेरा बॉडी भी सब कुछ करने को। तो धन्यवाद, कल ध्यान से जैसा बताया वैसे खेलिए, और जो जो मैं बोलता हूँ उसको याद रखा करिए। सर मैंने तो कल उसको सुना नहीं था सर, ठीक से समझ में नहीं आया था, मैं तो 11 आज जैसे मैंने बोला था 11:40 के पहले पोजीशन खाली कर लीजिएगा, और शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट गिरेगा तो सही लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट खाली इंट्राडे वाले को कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन पोजिशनल वाले को शॉर्ट में आना ही नहीं है जब तक कि हमारा 2 क्लोजिंग नहीं आए 700 के नीचे, कितना तब आप निकल जाओ, स्टॉप लॉस हो गया आपका सिंपल। हम तो 10:330 से बाई में, 350 से सॉरी, हम तो अभी भी नहीं छोड़ रहे सांस, और जबकि ऊपर मैंने शॉर्ट कराया 985 से, याद है ना, एक ही दिन में 200 पॉइंट गिरा के दिखाया, मतलब हम एक्चुअली 10780 से ही बाई में हैं, और वहीं चल वापस बाई किया हमने 985 में शॉर्ट करके, वहाँ 200 पॉइंट और खाए, जो मैंने बोला था नेक्स्ट डे सीधा 200 पॉइंट गिरेगा, उस दिन तो चमत्कार हुआ था, ठीक है। और कल भी चमत्कार हुआ, आप लोगों ने देखा कल मैं अहमदाबाद में इतना कॉन्फिडेंटली घूम रहा था, मेरे 2-4 फेवरेट जो फॉलोवर है उनके फ़ोन भी आए थे, मैं बोला बिंदास लिख लो 720 के ऊपर जाएगा निफ्टी आज, तब 562 चल रहा था कल निफ्टी, 562, तब मैं ये वर्ड यूज़ किया, एक संजय गुप्ता जी मेरे फ्रेंड यूपी बरेली के, उनको तो मैं स्पेशली बोला, शायद मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है कि 720 के ऊपर जाएगा, और एक मैम है अहमदाबाद की, उनके साथ तो मैं कॉफ़ी पी रहा था तभी उनको बोला कि 720 के ऊपर जाएगा। तो ये सब रहता है, थोड़ा आइडिया रहता है मार्केट का क्या होना, कल का भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। अब ये चाल मैं रीड कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर सकते हैं आप, वो क्या मैं क्या बोला, थिंक लाइक ऑपरेटर्स या थिंक लाइक क्लासेस नॉट लाइक मासेस, जैसे तुम लोग सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ उनकी तरफ से कि पब्लिक का उल्टा मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक इस समय किस पे ज़्यादा फोकस करेगी। ऑपरेटर हमेशा क्या गेम खेलते हैं, ऑपरेटर मतलब आप लोग सोचेंगे ऑपरेटर कौन है, ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा कौन, एक्चुअली कुछ एक लोग रहते हैं जो राइट करते हैं कॉल को, उनकी एक टीम रहती है, वो लोग पब्लिक का सेंटीमेंट के अगेंस्ट में खेलते हैं बस सिंपल, फिर उसी को न्यूज़ बना दी जाती है मार्केट में, उसका बहाना बता दिया जाता है इस न्यूज़ के कारण बढ़ गया, सडनली 200 पॉइंट बढ़ जाता तो आप सोचते ये क्या हो गया मार्केट में, तो एक न्यूज़ ला देगा कि आज मोदी जी ने ये बैंकों के लिए फंड दे दिया, वो न्यूज़ बस बाद में आती है वो दिखाने के लिए बस, और कुछ नहीं। तो ये मार्केट है भाई साहब, ये एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हो गया बहुत लेक्चर हो गया, जय हिंद।